श्री गणेशाय नमः। प्यारे भक्तों, राम भक्त पवन पुत्र हनुमान की जीवन गाथा के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। बोलिए जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमानंजनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुन सखः पिंगाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। हनुमान जी के ये 12 नाम हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हैं। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि किसी भी विपत्ति में इन 12 नामों का 11 बार यदि आप उच्चारण कर लेंगे तो आपका जो नुकसान 100% होना चाहिए वो मात्र 40% हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई जादू या चमत्कार हो जाएगा, परंतु मंत्रों का अपना महत्व होता है। आइए चलते हैं हनुमान जी की कथा में आगे। पिछले एपिसोड में सीता जी की खोज के लिए सभी वानर दल निकल चुके थे और सबसे महत्वपूर्ण सीता जी की खोज का जो काम था दक्षिण दिशा में ढूंढने का था, और ये काम मुख्य वानर वीरों को सौंपा गया था। जांबवान, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि को बुलाकर उन्हें काम समझाया गया और अब उनके मन में उस समय ये भाव उठा कि ये वीर अवश्य ही अपना काम पूरा करेंगे, और खास तौर से हनुमान जी के लिए तो कोई भी काम असंभव नहीं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से और प्रेम से कहा, हनुमान, जल में, थल में, नभ में, सर्वत्र तुम्हारी एक सी गति है। स्वर्ग अथवा अंतरिक्ष में कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हारी गति को रोक सके। तुम अपने पिता के समान गति, वेग, तेज और स्फूर्ति से युक्त हो। तुम सब कुछ जानते हो और मैं तुमसे क्या कहूँ। और तुम्हारा काम केवल स्थानों को देखकर नहीं आना, बल्कि तुम्हारा काम सीता का पता लगाना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पता लगा कर ही लौटोगे। सुग्रीव की बात सुनकर भगवान राम ने हनुमान को बुलाया और उन्होंने हनुमान से कहा कि तुम मेरा कार्य अवश्य पूरा करोगे। ये मेरी अंगूठी ले जाओ, इसे देखकर ही सीता विश्वास कर लेगी कि तुम राम के दूत हो, मेरे दूत हो। कुछ संदेश भी थे जो सीता जी को देना थे, वो भी उन्हें दिए। हनुमान जी उनके चरणों का स्पर्श करके वहां से चल पड़े। हनुमान, जांबवान, अंगद आदि ढूंढते ढूंढते थक गए, भूख प्यास के मारे व्याकुल हो गए। पानी तक का पता नहीं, कई दिनों से भोजन के भी दर्शन नहीं हुए। सारी जिम्मेदारी हनुमान जी पर आ गई। उसी समय उस भीषण पर्वत के एक चोटी पर चढ़कर उन्होंने देखा तो बड़ा हरियाली सा दिख पड़ा, कुछ सुंदर पक्षी दिखाई दिए और उन्हें लगा कि यहाँ पानी है तो जलाशय भी होगा। सबको लेके उधर गए। जाने पर मालूम हुआ कि एक गुफा में से ही ये सब निकल रहे हैं पक्षी। एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान राम का स्मरण करते हुए गुफा में घुस गए। बहुत ही सुंदर गुफा थी, अमृतमय झरना था, वृक्ष थे, बड़े स्वादिष्ट फल लगे थे। वहां एक तपस्विनी थी, उससे अनुमति लेकर सबने भोजन और जल ग्रहण किया। जब तपस्विनी ने हनुमान जी से पूरा वृत्तांत सुना तब तपस्विनी ने कहा, भैया, यहां आने पर कोई जीवित नहीं लौटता। ये निर्विघ्न तपस्या करने का स्थान है, और यहां से लोग लौटने लगे तो यहां की तपस्या में विघ्न पड़ेगा। परंतु तुमने मुझे भगवान की राम कथा सुनाई है, इसलिए तुम लोगों को तपस्या के बल पर मैं यहां से निकाल के ले चलती हूं।
मुझे भी रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए प्रवर्षण गिरी तक जाना है। अब आप सब अपनी आंखें बंद कर लिए। क्षण में ही देखा कि सब समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं। हनुमान जी से अनुमति लेकर वह तपस्विनी भगवान राम के दर्शनों के लिए निकल गई। अंगद ने कहा, भैया एक महीना बीत गया है, न तो हम लोग माता का पता लगा सके हैं और न जहां जहां जाना चाहिए था वहां जा ही पाए, और अब वापस लौटेंगे तो सुग्रीव महाराज तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए अब तुम लोग जाओ, मैं तो यहीं तपस्या करूंगा। हनुमान जी ने कहा, युवराज आप बेवजह हिम्मत हार रहे हैं, सुग्रीव आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, अपनी जान से ज्यादा आपको चाहते हैं, आप अपने जी जान से भगवान राम का कार्य सिद्ध होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब गुफा में जाने के कारण हम लोगों को थोड़ी देर अवश्य हो गई, परंतु वे हमें क्षमा कर देंगे और अगले राजा आप ही बनेंगे, आप घबराइए मत, भगवान राम बड़े दयालु हैं, वे सब आपकी रक्षा करेंगे, चलिए हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। यदि आप सुग्रीव से द्वेष करते हैं, उनके राजा होने से आपको कष्ट हुआ है और यहां रहकर बचना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल संभव नहीं है। आप राम के काम से जी चुरा कर कहीं भी छिप जाएं, लक्ष्मण जी के बाणों से नहीं बच सकेंगे। उनका काम न करने पर जब बच ही नहीं सकते तो उनके पास ही चलना उत्तम है, जैसा वे करेंगे वैसा होगा। अब हनुमान जी की बात सुनकर अंगद ने जीवित रहने का संकल्प तो छोड़ दिया और सुग्रीव के पास जाने की अपेक्षा वहीं अनशन करके प्राण त्याग करना उचित समझा। उनके सभी साथी भी अनशन करने लगे, राम की चर्चा होने लगी। उसी समय संपाति के दर्शन हुए और संपाति से सीता माता का पता मालूम हुआ। अब सब वानर भालू समुद्र के तट पर इकट्ठे हो गए, दक्षिण दिशा की ये घटना है, और विचार होने लगा कि अब इस समुद्र के पार कौन जा सकता है। सभी ने असमर्थता प्रकट की। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा लेकिन लौट नहीं सकता हूं, इसमें मुझे शक है। जाम्बवान ने उन्हें युवराज कह के सम्मानित किया और उनके जाने का विरोध किया। उन्होंने स्वयं भी अपनी वृद्धता के कारण जाने में लाचारी प्रकट की। अब तक हनुमान चुप थे, एक कोने में बैठे बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। अंगद निराश हो गए थे। सीता का समाचार मिलने पर वानरों में जो प्रसन्नता आ गई थी वो तुरंत गायब हो गई। अब अंगद ने कहा कि निराश होने का कोई कारण नहीं है, समुद्र पार जाने के लिए केवल बल की ही नहीं आवश्यकता है बल्कि बुद्धि की भी आवश्यकता है, और इस काम के लिए भगवान शंकर ने स्वयं अवतार धारण किया है, तो राक्षसों का तो संहार होना ही है। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी आप चुपचाप क्यों बैठे हो, आपका तो जन्म ही राम के काम के लिए हुआ है। वायुनंदन आप अपने पिता के समान क्षण भर में समुद्र के पार जा सकते हो, और आप तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, आपकी बुद्धि अप्रतिम, विवेक और ज्ञान के निधान हो, अपने अंदर इतना बल लेकर चुपचाप कैसे बैठे हो। जाम्बवान ने हनुमान के जन्म देवताओं के वरदान और ऋषियों के श्राप की कथा सुनाई और स्मरण कराया कि तुम तो जो चाहो वो कर सकते हो। अब देखिए जो श्राप था बचपन का, वो याद दिलाने पर हनुमान जी को पूरा बल अपना याद आ गया। वे तो निरंतर भगवान राम के स्मरण में तन्मय रहते थे और अपनी और अपने बल की उन्हें कोई स्मृति ही नहीं थी।
जाम्बवान की बात सुनने के बाद उन्हें समझ में आया कि मुझ में तो अपार शक्ति है और भगवान की असीम कृपा है और भगवान की सारी शक्तियां मेरी शक्तियां हैं। ये सोचते ही उनका शरीर बढ़ के सुमेरु पर्वत जैसा हो गया। गर्जना करते हुए कहा, समुद्र में क्या रखा है? भगवान की कृपा से मैं ऐसे सैकड़ों समुद्र लांग सकता हूं और लंका में यदि सीता जी नहीं मिली तो मैं स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक छान मारूंगा। लंका के साथ त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लाऊंगा, रावण को मार डालूंगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भगवान का कार्य करते समय मेरे मार्ग में कोई रोड़ा अटका सके। सभी वानर बड़े खुश हुए। जामवान का, हनुमान तुम सब कुछ कर सकते हो पर इस समय ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीता जी को देख के आओ, फिर हम भगवान राम के साथ सब लंका चलेंगे और फिर राक्षसों का संहार होगा, राम की कीर्ति होगी और हम सब आनंदोत्सव मनाएंगे। जामवान की बात सुनकर एक बड़े पर्वत पे चढ़ गए और बड़े पर्वत पे चढ़ के जैसे ही चढ़े देवताओं ने जय जयकार किया, आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी, ऋषियों ने शांति पाठ किया, वायु ने सहायता की, समुद्र पार जाने के लिए हनुमान उछल पड़े। उन्होंने भगवान का ध्यान करके वानरों को आश्वासन दिया कि मेरे मन में बड़ा उत्साह है, बड़ा हर्ष है, भगवान की असीम कृपा का अनुभव हो रहा है और मैं अपना काम पूरा करके शीघ्र ही वापस आऊंगा, आप लोग घबराना मत। और फिर भगवान के नाम की जय ध्वनि, जय श्री राम करके वे चल पड़े। उनके वेग से प्रभावित होकर बहुत से वृक्ष उनके साथ उड़ने लगे, दल के दल बादल उनके शरीर के कठोर स्पर्श से तितर बितर होकर उनके शरीर पर शीतल जल बिंदु डालने लगे। श्री मारुति राय और किसी और न देखकर आकाश मार्ग से ही चले जा रहे थे। अब आगे बात आती है हनुमान और मैनाक पर्वत। समुद्र ने सोचा कि राम के पूर्वजों ने ही मुझे ये स्वरूप दान किया है और मैंने उनका कोई उपकार नहीं किया, कहीं राम के मन में ये बात न आ जाए कि सीता हरण में समुद्र का भी हाथ रहा है, क्योंकि एक प्रकार से रावण मेरे अंदर ही रहता है, मैं ही उसके किले की खाई हूं और यदि मैं उनके दूत का स्वागत करूं, उनके विश्राम के लिए कोई उपाय कर सकूं तो संभव है मैं इस दोष से, इस लांछन से बच जाऊं। उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक राम दूत का स्वागत करो। मैनाक बड़ा विशाल रूप धारण करके समुद्र के ऊपर निकल आया, लेकिन हनुमान जी ने समझा कि यह कोई बाधा है, कोई विघ्न डाल रहा है मेरी यात्रा में। उन्होंने अपने पैरों के प्रहार से उसे पाताल गामी करने का विचार किया और जैसे ही उन्होंने प्रयास किया कि मैनाक अपने मूल मनुष्य के रूप में धारण हो गया, धारण करके खड़ा हो गया और कहा, हे हनुमान, तुम मेरे सहायक वायु के पुत्र हो। जब इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वत की पांखें काट रहे थे, तब तुम्हारे पिता ने मेरी की सहायता से ही मैं समुद्र के अंदर घुस गया और अपने आप को बचा पाया। मैं तो तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं, थोड़ी देर थकावट मिटाकर चले जाना। भगवान राम का काम तो सारे जगत का काम है ना, उनके दूत की सहायता करना, सारे जगत की सहायता करना है, आशा है मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगे। हनुमान जी बड़े विनम्र थे, बड़े प्रेम से अपने हाथों से मैनाक का स्पर्श किया और कहा, मैनाक आप मुझ पर बड़ा स्नेह रखते हो, मेरे पिता के समान वंदनीय हो और मुझे तुम्हारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन इस समय मैं भगवान के काम से जा रहा हूँ, मेरा हृदय उनके काम के लिए अशांत है और यदि मैं आराम करने के लिए अपने शरीर को रोक दूं तो संभव है ये हृदय शरीर को छोड़कर, ये हृदय मेरा शरीर को छोड़कर लंका में पहुंच जाए, इसलिए भाई इस समय में एक पल भी नहीं रुक सकता, आगे बढ़ गए, चलते गए हनुमान जी। अब सुरसा का प्रसंग आता है हनुमान जी की यात्रा के बीच।
अब देवताओं ने सोचा कि हनुमान में ताकत तो है, विद्या की भी कई बार परीक्षा हो चुकी, लेकिन राक्षसों के बीच जाकर सकुशल लौट आने की बुद्धि इनमें है या नहीं, इस बात का परीक्षण करना चाहिए। अब देखिए, उन्होंने दक्ष पुत्री, कश्यप पत्नी और नाग माता सुरसा, दक्ष पुत्री कश्यप की पत्नी और नाग माता सुरसा को हनुमान जी की परीक्षा करने भेजा। वे आकर हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई, कहने लगी, वाह, बड़े दिनों के बाद आज प्रारब्ध के वश मुझे भोजन मिला है, पेट भर खाऊंगी। हनुमान जी ने पहले तो यही कहा कि देखो भाई, राम का काम करने जा रहा हूं, वो मुझे कर लेने दो, उसके बाद खा लेना, मैं मृत्यु से नहीं डरता। परंतु जब उसने अस्वीकार कर दिया, तब हनुमान ने मुख फैलाने को कहा। वो जितना बड़ा मुंह फैलाती, हनुमान उसके दुगने हो जाते। उसने 100 योजन का मुंह बना लिया, तब हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आए। हनुमान के बुद्धि कौशल को देखकर सुरसा बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने सफलता का आशीर्वाद दिया और विदा किया। आप देखिए, बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि सुरसा कौन थी। अब आगे बात आती है राहु की मां, राहु ग्रह, उनकी माता सिंभिका, राहु के बारे में कहते हैं ना, अर्धकाय महावीरे चंद्रादित्य विमर्दनम सिंभिका गर्भ संभूतम हम राहु प्रणमाम्यहम ओम श्री राहवे नमः। राहु की माता सिंभिका समुद्र में रहती थी और ऊपर उड़ने वालों की छाया जल में पड़ती तो वहां से छाया को पकड़ लेती और उड़ने वाला विवश होकर जल में गिर पड़ता। इस प्रकार से वो अनेक जीवों का संहार कर चुकी थी। हनुमान जी के साथ भी उसने वही खेल खेला। अपनी गति को रुकता हुआ देख हनुमान ने देखा कि नीचे कौन है और उसने राक्षसी को पहचान लिया। हनुमान जी ने उस राक्षसी को पहचान लिया। अब हनुमान जी के सामने क्या ठहर थी, एक हल्की सी चोट में ही उसका काम तमाम हो गया और हनुमान निर्विघ्न समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच गए। बड़ा सुंदर वन था, हरे भरे वृक्ष, सुगंधित पुष्प, पक्षियों का कलरव और भौरों की गुंज गुंज बरबस मन को अपनी ओर खींच रही थी। परंतु हनुमान जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वे कूद कर पहाड़ के एक टीले पर चढ़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि यह स्थान अपना ठिया बनाने के लायक है और वानर सेना के लिए यहाँ फल फूल भी बहुत सारे, मीठा जल भी है और सबसे बड़ी बात, यहाँ से पूरी लंका दिख रही है। हनुमान जी ने वहां से लंका की बहुत सारी बातें जान ली। उन्होंने लंका दुर्ग की दुर्गमता का अनुमान करके निश्चय किया कि इसकी एक एक बात जान लेनी चाहिए, सीता को ढूंढने के साथ साथ ये काम कर लेना मेरा कर्तव्य है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए अगले भाग में चलते हैं कि हनुमान जी का लंका में प्रवेश। अब इतने बड़े विशाल शरीर से लंका में जाना और वहां की हर बात को गौर से देखना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हनुमान जी ने अनिमा सिद्धि का प्रयोग करके अपने आप को छोटा बना लिया और भगवान का स्मरण करते हुए लंका के द्वार पर पहुंचे। लंका नगर की अधिष्ठात्री देवी थी लंकिनी, शाम के समय छिपकर हनुमान जी को घुसते देख लिया, उसकी शंका हुई, हनुमान जी के पास आके डांटा, क्यों भैया, क्यों घुस रहे हो हमारी लंका में, क्या चोरी करने आए हो? हनुमान जी ने भैया एक घूंसा उसकी पीठ पे जमाया, मुंह से खून निकलने लगा और जमीन पे धम्म से गिर पड़ी। तब लंकिनी ने अपने आप को संभाल कर कहा, जाओ हनुमान, मैं तुम्हें पहचान गई, ब्रह्मा जी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जो वानर के मारने से तुम्हारी ऐसी दशा हो जाए, मुंह से तुम्हारे खून आने लग जाए, तुम घायल हो जाओ, तब समझ लेना कि रावण का अंत
नजदीक आ गया है। लंका में प्रवेश किया, उन्होंने तमाम राक्षसों के आहार विहार, सोने के स्थान देखे, शस्त्रागार, उनके मंत्रणाग्रह, छावनी आदि को देखा। सीता जी को ढूंढने के लिए रावण के अंतःपुर में भी बड़ी छानबीन की। मंदोदरी माता और तमाम स्त्रियों को देखा, लेकिन सीता का कहीं पता नहीं चला। सोचने लगे, उनको बड़ा बुरा लगा कि कहीं मैंने धर्म का उल्लंघन तो नहीं किया। पर स्त्रियों को देखना अधर्म है, मैंने अभी तक ये पाप नहीं किया था, आज मुझसे बड़ा अन्याय हुआ है, चिंता में पड़ गए। लेकिन अगले ही पल उनके मन में दूसरी बात आई। उस समय भगवान के स्मरण से उनका चित्त स्वच्छ हो गया और वे एक निश्चय पर पहुंच चुके थे। उन्होंने सोचा, मैंने पर स्त्रियों को देखा तो अवश्य, परंतु उन्हें बुरी दृष्टि से नहीं देखा है, आवश्यकतावश देखा है, और मेरे मन में थोड़ा सा भी पाप नहीं है। भक्तों, इंद्रियों की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति में मन ही कारण हुआ करता है, और हनुमान जी का मन तो बड़ा सुव्यवस्थित है। अब हनुमान जी ने सोचा, मैं सीता को और कहाँ ढूंढता, स्त्री को हिरणियों में तो ढूंढा नहीं जाता, स्त्रियों में ही देखा जाएगा, मैंने शुद्ध मन से ही ढूंढा है, इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है। और भी जगह उन्होंने प्रयास किया, और आगे बढ़ने पर उन्हें छोटा सा एक कुटीर दिखा। उस कुटीर की भीत पर जगह जगह राम का नाम लिखा था, जो मणियों की जगमगाहट के कारण रात में भी साफ दिखाई दे रहे थे। छोटी छोटी क्यारियों में तुलसी माता के वृक्ष, केसर और सुगंधित फूल लगे थे, और उस पर्ण कुटीर के सामने ही एक छोटा सा भगवान का मंदिर था, और उस पर भगवान के आयुधों के चित्र बने हुए थे। हनुमान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका में ऐसा स्थान कहाँ है, उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। सुबह का समय था, विभीषण जाग के राम नाम जपने लगे थे। हनुमान जी को विश्वास हो गया कि ये तो कोई संत है, उन्होंने परिचय करने का निश्चय कर लिया। ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम, जय जय राम, विभीषण तुरंत बाहर निकल आए। दोनों भगवत भक्त गले मिले, दोनों के हृदय प्रेम और आनंद से भर गए। हनुमान जी को विभीषण के हृदय में साक्षात प्रभु राम दिख रहे थे, और विभीषण हनुमान को मानो साक्षात भगवान ही समझ रहे थे। परिचय हुआ, हनुमान के पास कहने के लिए अपनी बात तो थी ही क्या, उन्होंने अपने दयालु प्रभु के पावन चरित्र और सीता हरण का प्रसंग सुनाकर अपने आने का कारण बताया। विभीषण ने कहा, भाई प्यारे हनुमान, मैं यहाँ वैसी ही सतर्कता और कठिनता से रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। प्रभु मुझ अनाथ को कभी अपनाएंगे, मेरी जाति तमोगुणी है, मुझसे कुछ भक्ति भाव साधन होता नहीं, भगवान के चरणों से प्रेम है मेरा और भगवान के चरणों में प्रेम है नहीं, मैं कैसे आशा करूं कि मुझे भगवान मिलेंगे। लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में निश्चय हो रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कृपा पात्र संतों का दर्शन नहीं होता है, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, सुंदरकांड में एक पंक्ति आती है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि निश्चय ही संत दर्शन भगवान के मिलने की सूचना है। हनुमान जी ने कहा, देखो विभीषण, हमारे भगवान बड़े दयालु हैं और सदा दीन जनों पर अपनी कृपा करते आए हैं, आप तो अपनी बात कहते हो, भला मैं ही कौन सा कुलीन हूँ, वानर चंचल साधनहीन, दूसरों की भलाई तो मुझसे दूर रही। और यदि प्रातः उठी, लोग कहते हैं प्रातः उठी लीजे नाम हमारा, ता दिन ता ही न मिलही आहारा, यदि सुबह सुबह कोई हमारा नाम ले ले तो दिन में भोजन नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं। तो विभीषण, मैं तो इतना अधम हूँ, फिर भी मुझ पर भगवान ने कृपा की है, और जो ऐसे स्वामी को जानकर भी नहीं बचते, संसार में भटकते रहते हैं, वे दुखी क्यों न होंगे। भगवान की गुणावली का स्मरण करके हनुमान का हृदय गदगद हो गया, उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। विभीषण और हनुमान में बहुत सी बातें हुई,
और विभीषण के बतलाने पर हनुमान अशोक वाटिका में गए। मां सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, उनका शरीर सूख गया था, बालों की जटा बन गई थी, सिर पर सौभाग्य का चिन्ह एक वेणी मात्र था और निरंतर प्रभु राम का जप और मन ही मन भगवान की लीला तथा गुणों का स्मरण कर रही थी। हनुमान जी ने दूर से ही उन्हें मानसिक प्रणाम किया और शीशम के एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। रावण आया और उसने सीता को फुसलाने की चेष्टा की, धमकाया, पर सीता की दृढ़ता, पवित्रता, राम निष्ठा और सतीत्व से प्रभावित होकर वह लौट गया। बहुत सी राक्षसियां भी सीता जी को रावण के अनुकूल करने के लिए समझाने लगी। इन बातों से सीता को बड़ी पीड़ा हुई। राम का पता न चलने के कारण उनके अनिष्ट की भी आशंका हुई। ऐसा समझ में आया कि शायद ही अब वे जीवित रहेंगी। त्रिजटा एक राक्षसी थी, उसे जब स्वप्न में कुछ दिखाई दिया तो उसने वृत्तांत सीता जी को बताया और आश्वासन देने लगी और बहुत सी राक्षसियां वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद त्रिजटा भी चली गई। सीता जी को अत्यंत व्यथित देखकर हनुमान ने राम जन्म से लेकर विवाह, वन गमन, सीता हरण आदि की बातें वृक्ष पर से ही गाना आरंभ कर दिया और अंत में बतलाया, राम भक्त में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी की अमृतमयी वाणी सुनकर सीता जी को बड़ा संतोष हुआ, पर दूसरे ही पल लगा उन्होंने सोचा ऐसा न हो कि ये भी रावण की कोई माया हो, षड्यंत्र हो। हनुमान ने सीता जी का मन भांप लिया और उनका, माता मैं करुणा निधान के चरणों की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं राम का सेवक हूं और उन्होंने आपके विश्वास के लिए मुझे एक अंतरंग कथा बताई है। जब आप वन में उनके साथ थी और जयंत ने कौवे का वेश धारण करके आप पे आक्रमण किया था, तब भगवान ने उस पर इसी अस्त्र का प्रयोग किया था और उसे त्रिलोकी में कहीं शरण नहीं मिली थी। आपकी अंगूठी जिसे केवट को देने के लिए आपने उन्हें दी थी और भगवान राम ने उसे अपनी उंगली में धारण कर रखा था, उसे ही भगवान ने आपके विश्वास के लिए मुझे दिया है। आप मेरा माता विश्वास करें, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं। हनुमान जी का हृदय वास्तव में निश्चल था और उन्हें सच्चा प्रमाण उन्होंने दे भी दिया था, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया। हनुमान जी को नीचे बुलाया, अंगूठी लेकर वे बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान का संदेश पाकर इतना आनंद हुआ कि मानो स्वयं प्राण प्रिय भगवान ही मिल गए हो। उन्होंने कहा, आज तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। यदि मैं समझ कर कि भगवान मुझे भूल गए अथवा कोई अनिष्ट हो गया, मर जाती, तो ये बात सुनकर उन्हें कितना कष्ट होता, मेरे कारण वे दुखी होते। हनुमान, क्या वे कभी मेरा स्मरण करते हैं? क्या मैं उन्हें कभी देख पाऊंगी? क्या मेरा उद्धार करेंगे? कहते कहते सीता मैया का गला भर आया, आंखों में आंसू आ गए, वे बोल ना सकी। हनुमान जी ने कहा, मैया आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? भगवान राम तुम्हारे लिए कितने दुखी हैं इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। वे पृथ्वी को देख कर कहते कि माँ पृथ्वी, मेरे कारण तुम्हारी प्यारी पुत्री को बड़ा कष्ट हुआ है, क्या इसी से तुम मुझ पर नाराज हो? वे खिले हुए फूलों, कलियों को देख कर कह उठते कि लक्ष्मण इन्हें ले आओ, मैं सीता जी के बालों में गूंथूंगा। माता, उनकी विरह कथा अवर्णनीय है, वे अपने को भूल जाते हैं और सदा तुम्हारी ही याद किया करते हैं। हनुमान ने पुनः कहा, माता उन्होंने आपको संबोधित करके कहा है कि प्रिय तुम्हारी उपस्थिति में जो वस्तुएं मेरे लिए सुखकर थी वे ही आज दुखकर हो रही हैं। सुंदर सुंदर वृक्षों की नई नई कोपले आज मुझे आग सी जान पड़ती है। चंद्रमा ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति जलाता है और बादलों की नन्नी नन्नी बूंदें जो पहले अमृत के समान जान पड़ती थी अब जलते हुए तेल की भांति मालूम पड़ती है। यह कहते समय हनुमान भावाविष्ट हो गए थे। सीता को ऐसा मालूम हुआ
मानो स्वयं राम उनके सामने खड़े होके बोल रहे, प्रेम मग्न हो गई, अपनी सुध बुध भूल गई। हनुमान ने उन्हें धैर्य बताते कहा, माता भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य और बल की ओर देखो, उनके बाणों के सामने तुच्छ राक्षस एक क्षण भी नहीं ठहर सकते। समझ लो कि ये तो मारे गए। भगवान को अब तक आपका पता नहीं मिल रहा था, और अब नहीं तो वे जाने कब राक्षसों का संहार करके तुम्हें ले गए होते। और अब हम सब वानर भालू सब साथ आएंगे, निशिचरों को पछाड़ पछाड़ के मारेंगे और आपको लेकर आनंद मनाते हुए अयोध्या चलेंगे। बोलो सिया भर रामचंद्र की जय। माता आप प्रभु का प्रभाव भूल गई। वे मालूम होते ही वहां से सैनिकों के साथ चल पड़ेंगे, बाणों से समुद्र को स्तंभित कर देंगे, लंका में एक भी राक्षस नहीं बचेगा। यदि देवता दानव और स्वयं मृत्यु भी भगवान राम के मार्ग में विघ्न डालना चाहेंगे तो वे उसे भी नष्ट कर देंगे। इसलिए मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि आपके वियोग से राम जितने व्यथित हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे, आप उन्हें शीघ्र ही सकुशल देखेंगे। सीता ने कहा, हनुमान अब तक 10 महीने बीत गए, अब 2 महीने बाकी है, और यदि इस बीच में भगवान ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं उनके दर्शन से वंचित रह जाऊंगी। मैं उनकी दर्शन की आशा से ही जीवित हूं। रावण ने अब तक मुझे मार डाला होता, यदि विभीषण ने अनुनय विनय करके मेरी रक्षा न की होती। सीता जी हनुमान जी से ये बातें कहते कहते व्याकुल हो गई, उनका गला सूख गया और वे बोल न सकी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी की इस दिव्य कथा के दूसरे भाग में वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ, और तीसरे और अंतिम भाग में हम पुनः प्रभु की लीला का बखान करेंगे। तब तक के लिए वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।